मैं ये सोच रहा था कि जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता हम दोनों अपने इस रिश्ते को यहीं रोक दें। क्या? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो सोनिया, हम दोनों के लिए ये बेहतर है। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में सब कुछ याद करना चाहता हूं। Thank you.
ये क्या है? खुद ही देख लें। सच? तंजीला सच में? क्या सच में हमारे घर में? बिल्कुल सच है। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाले हैं। तंजीला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूं। तुम्हें पहले से मालूम था ना, तुम जानती थी ना? जी, लेकिन मैं पहले चेकअप करवाना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती थी। तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मेरी तुमसे फोन पे बात हुई? क्योंकि ये बात मैं आपको आपके सामने आकर खुद बताना चाहती थी। जिला, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूं। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं दुनिया जहान की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। आतिर, मेरा जहान आप है, मुझे किसी और जहां की खुशियों से कोई सरोकार नहीं। मेरे साथ है तो सारी खुशियां मेरे साथ है। लेकिन तंजीला, मुझसे वादा करो, इस बार तुम कोई बेएहतियाती नहीं करो, अपना बहुत ख्याल रखो। मैं एक बार तो ये खुशी खो चुका हूं, लेकिन दूसरी बार आतिर, खुशी के मौके पर ऐसी बातें मत करें। एहतियात मैंने पहले भी बहुत की थी, फिर तो बस हमारी मोहब्बत नौरीन की नफरत की नजर हो गई। अगर आप देखिएगा, इस बार अल्लाह हम पर करम जरूर करेगा। इस बार हमें ये खुशी जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। जो मेडिसिन्स मैं लेता हूँ, मुझे इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। कहाँ है? तुम्हारी मेडिकल की फाइल में होगा। तो जाओ अभी और इसी वक्त लेकर आओ। लेकिन तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए? अगर तुम्हें मेडिसिन ही चाहिए तो मैं कल ला दूंगी। नहीं चाहिए मुझे मेडिसिन, मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए अभी और इसी वक्त। जाओ और लेकर आओ। क्या रोमान जान गया? उसे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा, रोमान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्या हुआ, नहीं मिली प्रिस्क्रिप्शन? हाँ मिल गई है, ये लो।
तुम्हें लगा कि बिना डॉक्टर की हिदायत के मैं तुम्हें दवा दे रही हूँ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुबई में तुम्हारा कितना लंबा ट्रीटमेंट चला था। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने तुम्हें ये दवा लिख के दी थी और तुम्हें पुरसुकून रहने का कहा था। हाँ, शायद मैं भूल गया। मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूं। तुम मुझ पे ही शक कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चीजों को, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूं। बार बार मेरे माजी का सवाल मेरे सामने आ जाता है और मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठता हूं। ना जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, जिसका मुझे बाद में बेहद अफसोस भी होता है। तो तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने तुम्हें दवा लिख के दी थी। जानता हूं कि मैं क्या करूं। I'm sorry. जो तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। It's okay, रुमान, कोई बात नहीं। अगर बीवी शौहर की बातें बर्दाश्त नहीं करेगी तो कौन करेगा? हेलो हेलो, क्या बात है, गुस्से में दिखाई दे रहे हो? ऐसे ही यार, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? पता नहीं कौन है यार, सुबह से कॉल्स कर रहा है, कॉल करता है फिर काट देता है। कोई रॉन्ग नंबर होगा, गलती से लग गया होगा। गलती से फोन एक बार लगता है, बार बार नहीं।